नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर। आप सभी देख रहे हैं मेरे चैनल ग्लोबल व्यापार, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में और ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन के बारे में तो आजकल हम कुछ ज़्यादा ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप लोग ऑप्शन में पार्ट लेने में इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं कि ऑप्शन किस तरीके से होता है, कहाँ पर पार्टिसिपेट करना है, क्या किस तरीके से ऑप्शन में बोली लगानी है और कैसे कैसे इसमें कौन कौन से ट्रिक्स होते हैं, कौन कौन से चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो ये एक वो वीडियो है। मैं ये एक मेरा लास्ट वीडियो होने वाला ऑप्शन के ऊपर, जिसमें मैं एक ऐसे पर्सन को लेके आने वाला हूँ हमारे साथ, जो कि पिछले 7-8 सालों से सिर्फ ऑप्शन का काम ही कर रहे हैं। उन्होंने उनको आपने इससे पहले भी मेरे एक वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं, जब मैं वो लाइव ऑप्शन वाला वीडियो था मेरे चैनल पे, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था वो जूते का कंटेनर और एसी का कंटेनर। वहाँ पे एक बंदा था वहाँ पे, हरप्रीत जी करके, जिनका मैंने छोटा सा एक इंटरव्यू लिया था, वो हमें उस वीडियो में भी उन्होंने बताया था कि किस तरीके से ऑप्शन में पार्ट लेते हैं। तो भाई आप सिर्फ ऑप्शन का ही काम करते हो? नहीं नहीं मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, भाई का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, वैसे ऑक्शन में भी आप पार्ट लेते हैं? उनको मैं पर्सनली बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, एक्चुअली में वो बिजी बहुत रहते हैं, रिक्वेस्ट करने के बाद उनको मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। हमने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको ऑक्शन में पार्ट लेना है, कहाँ रजिस्ट्रेशन होती है, क्या एमएसटीसी से कार्ड बनता है, एक रजिस्ट्रेशन में कितने लोग देखने जा सकते हैं, किस तरीके से बोली लगानी है, कहाँ पे बोली नहीं लगानी है, कहाँ पे अगर आपने बोली लगाई तो किस तरीके से आपका कार्ड कैंसिल हो सकता है, आईफोन की आईफोन का ऑप्शन आने वाले आईफोन के ऑप्शन कहाँ पे होने वाला है, आने वाले गोल्ड और सिल्वर के ऑप्शन कहाँ पे होने वाले, ज्वेलरी के ऑप्शन कहाँ पे होने वाले, ये सारी इंटरेस्टिंग बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं ऑप्शन में पार्ट लेना या ऑप्शन इस बिजनेस के अराउंड जानना, इस बिजनेस में इंटरेस्ट लेना, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यही वो वीडियो है। अगर आपने ये वीडियो पूरी तरह लास्ट तक देख लिया तो आपको ऑप्शन के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये पिछले 7-8 सालों से सिर्फ ऑप्शन का ही काम कर रहे हैं। जब से मैनुअल ऑप्शन होता था कि लोग वाग बैठते थे और बोली लगाते थे, उस टाइम से लेके अब जब ये सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, ये सारी चीज़ें अब तक ये देखते आए हैं किस तरीके से चीज़ों में चेंज आया है, किस तरीके से ऑप्शन होता है, किस तरीके से एमएसटीसी में बोली लगाते हैं, एमएसटीसी के लोगों से इनकी जान पहचान है, कस्टम के लोगों से इनकी जान पहचान है, तो ये इनका एक एक्सपर्टाइज है, ये एक एक्सपर्ट है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अगर आपको वैल्यू मिलता है। और अगर आप ऑप्शन में पार्ट लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाना, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, वहाँ पे मिस्टर सौरभ मिलेंगे। मंडे से वो नंबर एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि वो अभी थोड़े बीमार चल रहे हैं कोविड के चक्कर में। मंडे से आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं और जान सकते हैं, पर्सनली हम आपको असिस्ट करेंगे कि किस तरीके से आपको ऑप्शन में पार्ट लेना है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करनी है और किस तरीके से आपको चीज़ों का ध्यान रखना है ऑप्शन में बोली लगाते टाइम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना डिले करते हुए, सीधा हरप्रीत जी से बात और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं ऑप्शन बिजनेस के बारे में। सबसे पहले आप अपने बारे में बता दो थोड़ा सा कि आप मतलब ऑप्शन में कब से पार्ट ले रहे हो और कैसे कैसे मतलब सारा करते हो। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन में मैं कब से पार्ट ले रहा हूँ? कम से कम 2014 से। 2014 से, तो 14 6 साल 6-7 साल हो गए आपको। जी, उस टाइम तो मेरे ख्याल मैनुअल होता था, मतलब ऐसे ऑनलाइन वगैरह नहीं था। 2014 में था क्या? नहीं नहीं पहले वो दूसरा होता था, अपना पर्सनल बुलाते थे और 10-12 आदमी बैठते थे, वो वाला। अच्छा, उस टाइम से कर रहे हो आप? हाँ, उस टाइम से कर रहा हूँ। चलो बढ़िया है, बढ़िया। तो उसके बाद से फिर जब ऑनलाइन हुआ तब से मतलब आपका मतलब मेन काम यही है, ऑक्शन वाला ही काम करते हो प्रॉपर? नहीं नहीं मेरा ऑक्शन का काम नहीं है, मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, और मेरा मलेशिया और यूरोप कॉन्टिनेंटल में और अपना चाइना और उसके बाद कंबोडिया और वियतनाम में, यहाँ पे कंपनी अपनी ओन कंपनी भी है। अच्छा, और अभी आप कह रहे थे कि अभी आपको यूरोप का टूर भी लगने वाला है, तो वहाँ ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के चक्कर में जा रहे हो? हाँ, जो मैं यूरोप जा रहा हूँ वो मेरा अपना काम है, वहाँ पे मैं कोल्ड स्टोर बना रहा हूँ। क्या बना रहे हैं? कोल्ड स्टोर। अच्छा, कोल्ड स्टोर बना रहे हैं आप? जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाजी, बहुत बढ़िया, ऐसे काम करते रहो। अच्छा, ये जो सबसे पहले भाजी, ये जो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो आप लोग दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि ये आपने मेरे मतलब हरप्रीत भाजी को देखा होगा मेरे पहले वाले वीडियो में, जो वाली वीडियो वायरल हुई थी, तो ये वही है, उनको मैं आज लेके आया हूँ वीडियो कॉल पर। बहुत बिजी रहते हैं, तो फिर भी मैंने कोशिश करी है कि भाई से किसी तरह वीडियो कॉल पर बात हो जाए, क्योंकि दिल्ली आना तो इनका बहुत कम रहता है, काम में एक दिन के लिए आते हैं आप बस, ऑक्शन वाले दिन फिर आके बोली लगा के निकल जाते, अपना माल देख के निकल जाते। नहीं जी। तो पाजी आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो लास्ट वाला ऑक्शन था पीवीसी वाला, और कौन सा कंटेनर आपने खरीदा? वहाँ पे पीवीसी का था और ट्रांसफार्मर का था और एसी कंटेनर था। तो आपने तीनों एसी का और तो आपने तीनों 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 खरीदे आपने?
मैंने पीवीसी में लगाई थी और दूसरा ट्रांसफार्मर में और एसी में भी देखा तो था। आपको आपको अलाउड कौन सा हुआ? अभी हुआ कोई अलाउड? अभी तक कोई मेल नहीं आया एमएससी की तरफ तो से। मतलब आपकी बिडिंग कंफर्म हो गई थी? हाँ, वो बीडिंग कन्फर्म हो गई थी एसी पे और अपना दूसरा जो ट्रांसफार्मर और पीवीसी तीनों पे हो गई थी, अच्छा, पीवीसी और ट्रांसफार्मर और एसी तीनों पे हो गई थी आपकी? तीनों पे होगी। कितने कितने में गई थी? जो एसी की थी वो 36 लाख पे गई थी और जो है पीवीसी की वो गई थी 12 लाख 1 हजार पे। ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर? गई थी 16 लाख 80 हजार पे। 16,80,000, मतलब तीनों आपके बकेट में। और उसके बाद कोई एक कस्टमर था, उसने 16 लाख 81 हजार लगाना था, बट उसके 1 जीरो ऊपर लग गई और वो 1 करोड़ कुछ लग गई थी। अच्छा उसके बाद वो बंद हो गई थी बिल्डिंग, तो सेकंड में मैं आया। अच्छा अरे बाजी, एक बात बताओ। चलो ठीक है, ये तो आपका हो गया कि आप इतना टाइम से कर रहे हैं, तो आपको पता है कि भाई किसका कितना वैल्यू, मतलब आप वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे कोई नया आइटम आया, आपको कैसे पता है कि मैं इतने में खरीदूंगा तो इसको इतने में बेच दूंगा, कितनी इसकी वैल्यू होनी चाहिए? वैल्यू कैसा है, जैसे पीवीसी है, पीवीसी का तो हमारा काम है, हम चाइना से इंपोर्ट करवा रहे हैं तो हमें पता होता है आपको कि पता? इतने वेट का इतने में जाएगा पीस। और जो स्क्रैप का है तो स्क्रैप का तो अपडेट रहना पड़ता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि 35 रुपए चल रहा है या 40 रुपए चल रहा है, अच्छा कितने में चल रहा है उसी हिसाब से। और इस जो आप बोली लगाते हैं उसके ऊपर आपको जीएसटी अलग से देना होता है। जीएसटी अलग से देना, तो वो तो सही बात है, वो तो ठीक है। अब लोगवाग यही कहते हाँ, हैं ना कि लोगवाग जो मेरे पास आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई मैं ये खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, तो मैं उनको यही कह रहा हूँ कि भाई साहब आप वो खरीदो, उस पर बोली लगाओ जिसको आप आगे बेच सकते हो मार्केट में। हाँ बोली उस पे लगाओ जिस फील्ड में आप ऑलरेडी हो, जिस फील्ड का पता है आपको, मैं यहाँ से 1 kg का इतने में लूंगा और इतने में दे दूंगा। आप हर चीज पे मत जाओ, क्योंकि बोली देखो हर रोज एमएसपी की तरफ से बहुत ज्यादा मतलब निकल माल ऑक्शन के लिए, तो आप हर चीज पे बोली नहीं लगा सकते। हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है, सही बात है, ये भी सही बात है। अच्छा ये जो एमएसटीसी का चक्कर है पाजी, जी इसमें मतलब अब एमएसटीसी का क्या रोल होता है? अब हमने बोली लगा दी, हमारे बकेट में आ गई चीज़, जी उसके बाद फिर ये कंफर्म वो करता है, कस्टम करता है कि भाई आपको देना है नहीं देना है माल, है ना? फाइनल तो उसी का डिसीजन होता है, कस्टम का ही। हेलो हाँ मैं ये कह रहा था कि जैसे जी हमने बोली लगा दी, हमारी जी फाइनल हो गई, उसके बाद भी तो कस्टम के हाथ में ही होता है कि इसको फाइनल कर रहा है नहीं कर रहा है, वो बाद में कैंसिल भी कर देते हैं इसको कई बारी। वो क्या कारण होता है, वो इस चीज के लिए कैंसिल करते हैं। जैसे आपने एक आइटम, एक मैं एग्जांपल दूं, छोटे से एग्जांपल देता हूं, ठीक है? तो आप अच्छा, जैसे मान के चलो मार्केट में 1 kg लोहे का रेट 35 रुपए है, सही बात है, ठीक है? अगर आपने बोली लगा दी 10 10 रुपए, हाँ ठीक है, ठीक है, और कस्टम में उसकी मिनिमम जो प्राइस है, हाँ मिनिमम प्राइस रखा हुआ है 15 रुपए, ठीक हाँ है? अगर मिनिमम प्राइस के नीचे आपने बोली लगाई, जैसे 15 रुपए मिनिमम प्राइस और आपने 10 रुपए बोली लगा दी, हाँ तो उसके उसके ऊपर कस्टम डिसाइड करेगा आपको बोली देनी है या नहीं देनी। हाँ मतलब ये होता है कि कस्टम अपना डिसाइड करके रखता है कि भाई ये जो कंटेनर है कस्टम के हिसाब से इसका वैल्यू इतना होना चाहिए, अब इससे कम की अगर बोली लगती है तो हम इसको नहीं देंगे। नहीं लेंगे, और वो कमेटी बैठती है पूरी 5 6 लोगों की भी, हायर ऑफिसर की भी, हम ये रेट लगाए हम दें या ना दें। अगर उनका डिसीजन होता है भी आप दे दो तो वो आपको लौट कर देते हैं, अगर उनका डिसीजन होता है नहीं आप नेक्स्ट बोली में इसको ऑफर करो तो नेक्स्ट बोली में वो चला जाता है। हाँ ऐसा हुआ था हमारे, मेरे एक जानने वाले के साथ, वो पीछे अभी जिस कस्टमर जिस वाले ऑक्शन में मैं आपको मिला था उसमें एक सीमेंट ब्रिक का आया हुआ था, जी जी सीमेंट ब्रिक का उनके पास चला गया था, उन्होंने 25,000 रुपये बोली लगाई थी उसकी, तो जी उनके बकेट में चला गया था, 2 3 दिन तक था उनके बकेट में, फिर बाद में वो कैंसिल हो गया, हट गया वहाँ से, तो इसका कारण यही रहा दो तीन होगा। दिन तक वो 3 दिन तक वो पेंडिंग में जा रहा होगा, ईएमटी अमाउंट आ रहा होगा और पेंडिंग में जा रहा हाँ होगा। पेंडिंग में जा रहा था।
वही वही होता है ना, अगर देखो किसी चीज की वैल्यू 1,000 रुपए है, अगर आप उसको बोली मतलब 1,000 रुपए और 300 बोली लगाते हो, तो ये चीज तो नहीं है कि आपको 300 में मिल जाएगी। वो फिर वो बाद में कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसल भी कर सकते हैं, एक मिनिमम प्राइस होता है, जैसे 1,000 किया है तो मिनिमम प्राइस उस उन लोगों ने रखा है 600 रुपए। अगर 600 के ऊपर रखोगे बोली तो आपको मिलेगी, अगर आप 600 के नीचे रखोगे 400 रखोगे तो वो डिसाइड करेंगे, कमेटी बैठेगी भी आपको दें या ना दें। और ये जो ये डिसाइड करके रखते हैं, ये तो वो अपने अंदर ही होता है उनका, ऐसे बोलते तो नहीं है कहीं पे ना, लिखा भी नहीं होता कहीं पे। लिखा नहीं होता कहीं भी, ये नहीं लिखा था भी हम इस आइटम का मिनिमम प्राइस ये है। कहीं पे लिखा नहीं हो तो वो आप अपने हिसाब से करो कि हाँ भाई जो फेयर प्राइस है उसे उसके आसपास आप बोली लगाओ कि जायज होना चाहिए, जायज होगा उनके हिसाब से बैठेगा तो वो दे देंगे। बोल ही देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है। अच्छा ये जो आपका MSTC का है ये लाइफ टाइम का हो गया आपका 11,800 रुपये है ना, और एक MSTC से कार्ड भी बनता है एक बंदे के नाम पे। हाँ वो कार्ड बनता है, अच्छा उस कार्ड पे फिर 2-3 बंदे भी जा सकते, कोई दिक्कत तो नहीं होती कार्ड पे ना, एक आदमी के साथ दो बंदे जा सकते हैं, कोई इशू एक नहीं आदमी के साथ 2 बंदे जा सकते हैं। तो जहाँ पे भी जी। जिस भी ऑप्शन में जाना है आपको कार्ड कैरी के, जिस बंदे के नाम पे कार्ड है उस बंदे का होना जरूरी है वहाँ पे, कि उस बंदे का कार्ड कोई और भी ले जाके फिर कर सकता जा सकता है। नहीं, उस कंडीशन में क्या होता है, आप एक जिस बंदे कंपनी के नाम पे इशू है वो बंदा लेटर हेड पे वो बंदे का नाम वगैरह लिख के वो उन्हें ऑथराइज कर सकता अच्छा ऑथराइज कर। अच्छा ये जो कार्ड बनता है ये एक बंदे के नाम पे बनता है कि कंपनी के नाम पे बनता है, के रिप्रेजेंटेटिव नाम से। नहीं, जैसे कि कंपनी का नाम है, जैसे मेरी कंपनी है मान लो ये है तनिष्क हार्डवेयर, जी। ठीक है, अब मैं जो कार्ड बनेगा तो कार्ड मेरे नाम पे बनेगा, जैसे तनिष्क हार्डवेयर लिखा होगा फिर साथ में मेरा नाम भी लिखा होगा, दीपांकर लिखा होगा, ये क्या नाम लिखा था, कंपनी का नेम, आपका नेम, क्योंकि ऑथराइज आप हो या प्रोपराइटर आप हो। ऑथराइज पर्सन का भी होगा ना, उसमें मेरी फोटो भी लगेगी उसमें। हाँ आपकी फोटो लगेगी, तो अगर आपने किसी, आप नहीं जा रहे हो किसी और को भेजना है, तो आप एक अथॉरिटी लेटर लेटर दे हेड पे देंगे। बंदे का नाम मेंशन करोगे और उसको ऑथराइज करोगे भी, ये मेरी तरफ से इंस्पेक्शन कर सकता जी 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 ठीक है ठीक है ठीक है। जी। अच्छा तो उसके बाद क्या कहते हैं, ये तो हो गया। चलो अच्छा पाजी, अब आप सिर्फ ऑक्शन जो है कस्टम ऑक्शन में पार्ट लेते हो कि सारे ऑक्शन में पार्ट लेते हो? सभी में लेता हूँ, जो जो मेल आई, जो देखा हमारा अपना मटेरियल ओके है, हम देख सकते हैं और जिसमें परचेज कर। आपको पता है कि मैं खरीद के बेच सकता हूँ, जिसके बारे में आपको पता है कि इसकी मैं जिसकी वैल्यूएशन कर हाँ सकता हूँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वह उसमें पार्ट ले लेता ऐसे कई लोग यह कहते हैं कि मैं तो भाई साहब कुछ भी लेके कुछ भी बेच गोवा दूंगा। एयरपोर्ट पे ना गोल्ड गोल्ड और डायमंड का ऑप्शन है, कहाँ पे? गोवा में? गोवा में है, ओ तेरी, गोल्ड और डायमंड का? अरे वो तो लंबा बड़ा किसका गोल्ड और डायमंड का है, शायद मेरे हिसाब से 14-7 का है वो, है? 2007? 14 तारीख और सातवा मतलब सातवें महीने 14 तारीख और 7वें महीने, मतलब अगले महीने की 14 तारीख को। 14 तारीख को वो बोली लगनी है, और इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन है जो शायद 5 तारीख से स्टार्ट है उसकी गोवा में। मतलब सोने और डायमंड की बोली भी लगती है। अच्छा एक चीज है, हाँ आपने कभी इस वाले ऑप्शन में ये देखा है क्या, वो लैपटॉप वगैरह फोन वगैरह आते हैं, कभी देखा है क्या आपने? हाँ वहाँ एयरपोर्ट पे आते हैं, काफी एयरपोर्ट पे आते हैं, पीछे से ये अपना दिल्ली एयरपोर्ट पे भी लगा दिल्ली एयरपोर्ट में मैं आइटम चेक करता हूँ बट ऐसा कुछ बढ़िया वाला आइटम तो आता नहीं है, वो सारा सर्वर वगैरह वो सारी चीज़ें आती हैं कंप्लीट। था। नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट पे फोन की एक्सेसरी, हेडफोन, ये चीज लगी थी एयरपोर्ट में। हाँ एक्सेसरीज वगैरह तो आती रहती हैं, प्रॉपर फ़ोन की कह रहा हूँ। अभी क्या है कि पीछे ना दिल्ली एयरपोर्ट पे करीबन करीबन 3-3.5 करोड़ के आईफोन जब्त किए गए हैं। हाँ 600 600 कुछ आईफोन थे वो अपने जब्त किए गए थे। अब अपनी कन्फ्यूजन ये है ना कि मैं खुद कस्टम में यहाँ रहता हूँ बट मेरे को भी नहीं पता कि उन आईफोन के साथ होता क्या है। वो अब क्या होगा, वो अब पूरे प्रोसेस में जाएंगे, उसके बाद उसकी ऑक्शन होगी, ऑक्शन होगी जरूर। वहाँ जल्दी किस चीज की ऑक्शन होती है, जो चीज एक्सपायर होती है, जैसे फूड का, फूड सप्लीमेंट हो गया, ये चीज हो गया ना, तो इस चीज की वो जल्दी ऑक्शन कर देते हैं, जो चीज एक्सपायर नहीं होने वाली उसकी वो बाद में करते हैं। बाद में आराम से पूरा तरी प्रोसेस करके सब कुछ करके फिर करते हैं।
हाँ पीछे जी ये आपको पता है आईफोन की ऑक्शन भी लगी थी, आईफोन 6 थे और कुछ और मॉडल थे, उसमें सैमसंग का टैब कहाँ पे, कहाँ पे लगा था, था? ये एयरपोर्ट एयरपोर्ट पे लगी थी यार, दिल्ली एयरपोर्ट पे थी वो। दिल्ली एयरपोर्ट को तो मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से, वहां तो कोई ऑप्शन नहीं लगा। नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट पे तो मेरे फोन में है, उसकी मैंने लिस्ट भी भेजी थी, कोई बंदा है जो मेरे नॉन का, उसको भेजी थी मैंने। अच्छा, मुझे मुझे भी कोई कह रहा था बीच में कि दिल्ली एयरपोर्ट। अच्छा, उसकी भी जानकारी एमएसटीसी में मिल जाती है ना? एमएसटीसी के थ्रू ही तो आती है सारी। बिल्कुल मिल जाती है, कोई मैं तो नहीं। देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से, अभी पीछे एक दो दिन पहले एक ऑप्शन इंस्पेक्शन था सेल्बी का, वो तो मैं थोड़ा अपने मैं घर के शिफ्टिंग के चक्कर में थोड़ा मिस हो गया मेरे से, उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि लोग बाग मेरे को बहुत कह रहे थे कि एक बारी दिल्ली एयरपोर्ट का वीडियो बना के दिखाओ कि वहाँ पे किस तरीके का माल आता है। मैं कह रहा मैं तो रहता ही पूरे दिन दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ तो कभी बना लूंगा। अब क्या है ना कि पिछले एक हफ्ते से मेरे घर का थोड़ा शिफ्टिंग विफ्टिंग चल रहा है, इधर से उधर कर रहे हैं, तो बिल्कुल सारी चीज़ें मिस हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कहीं और आपको कहीं इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, किसी किसी अदर कंट्री में कोई अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का करना है, या कुछ कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, कैसे हाँ करवानी है, कैसे करें, कैसे अपना लॉयर हायर करें, वो सारा, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बता सकते हो मेरे को अच्छा, कभी। वो उसकी सर्विस देते हो आप? मतलब जी, इंडिया से बाहर की कह रहे हो आप? इंडिया से बाहर का कुछ हो तो हाँ इंडिया के बाहर, यूरोप कॉन्टिनेंटल में, या यूएसए में, या आप साउथ अफ्रीका कंट्री में, ऐसे जहाँ भी आपको करनी हो। अच्छा, तो जी वहाँ पे आप करवा दोगे? ठीक है बाजी, फिर मैं आपको याद करूँगा ना कभी भी बाहर देश का कुछ पड़ेगा, क्योंकि अपना तो अपना क्या है, मेन इम्पोर्ट जो हो रहा है इस टाइम पे, हमारा मेन काम है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, कस्टम क्लियरेंस का, फ्रेट फॉरवर्डिंग का, तो हमारा जो मेन जी मेन काम चल रहा है वो इस टाइम पे चाइना से चल रहा है, चाइना, यूएसए, यूरोप और अपना रशिया वगैरह से आ रहा है अभी। ऐसा कुछ बाहर का ऐसा सेटअप का तो अभी तक बैठा नहीं, कुछ कुछ बैठेगा तो पक्का बताऊंगा मैं आपको। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है भाजी, और इसके अलावा कुछ और जो आप मेरे को बताना चाहो, जो आप मेरे मतलब जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ हेल्प मिले, कोई ऐसे टिप्स ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए? बस यही है जो मेन टिप्स है, भी आप लोग उस चीज में देखो जो चीज आपको पता है ये चीज इतने की है और इतने की बिक जाएगी, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उस फील्ड की माल उठाओ, हाँ उसके अलावा तुम उठाओगे तो नुकसान होगा आपको। अच्छा, एक चीज़ और, अगर सपोज किसी ने बोली लगा दी और बाद में उसको अलॉट हो गई और उससे वो बाद में मुकर गया कि मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पे पैसा नहीं है, ये फलाना, ये मेरे पे दिक्कत है, मैं नहीं ले सकता इसको। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस बंदे का जो MSTC में अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा 6 मंथ के लिए, उसको ब्लॉक कर देंगे उसकी आईडी, और वो दोबारा अकाउंट नहीं ओपन कर पाएगा, अच्छा, 6 महीने तक के लिए ब्लॉक हो जाएगा उसका। हो जाएगा उसमें। अच्छा, और एक जो है ये जो प्री बिड ईडीएम करके एक वो ऑप्शन होता है, वो क्या उसका क्या हिसाब किताब होता है? प्रीपेड हाँ, कुछ प्री बिड ईडीएम करके लिखा होता है किसी किसी ऑप्शन में। EMDS हाँ, प्री करके, ईएमडी करके ऐसा कुछ लिखा होता है। वो क्या होता है, अगर आपने उस मटेरियल की बोली लगानी है तो जैसे वहां पे लिखा है अभी 40,000 डिपॉजिट कराओ, तो वो आपको MSTK अकाउंट में 40,000 डिपॉजिट कराओगे तो उस चीज की बोली लगा सकोगे आप। अच्छा, मतलब पहले डिपॉजिट कराओ फिर बोली लगाओ। प्री ईडीएम का हाँ मतलब ये है कि पहले इस आइटम के लिए अगर आपको बोली लगानी है तो पहले इतना पैसा सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा, उसके बाद आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बोली में। बाद आप बोली लगा सकते हो। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा और कुछ कुछ तो मिनिमम वाला भी होता है, मैंने देखा है कि कुछ उनको मिनिमम डिसाइड करके रखते हैं कि इस यहीं से बोली शुरू होगी। यहीं से शुरू होगी कहीं, हाँ अलग अलग टाइप की होती है, वो पहले अपने इंफॉर्मेशन दे होती है, अभी यही चीज इतने के। चलो, ये तो बढ़िया था पाजी, आपसे बहुत सारी नॉलेज जानने को मिली है, क्योंकि अब मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा तो कई लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें पता लगने वाली हैं। और तो दोस्तों, ये थे हरप्रीत जी, जो मेरे को आपने देखा ही था कि मेरे जो पहले वाले वीडियो में कल लाइव ऑक्शन वाले टिकट ही वहाँ ये मिले थे, तो किसी तरह मैं बात कर करके हरप्रीत जी को आज मैं वीडियो कॉल पर ले ही आया। और कस्टम ऑक्शन से रिलेटेड और किसी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वहाँ सौरभ जी मिलेंगे आपको, सौरभ जी पूरी तरह गाइड कर देंगे। और हरप्रीत जी भी अब हमारी टीम में ही है कहीं ना कहीं, तो हरप्रीत जी से भी हम बात करते रहेंगे फ्यूचर में, और कभी दिल्ली में दोबारा ऑप्शन आता है तो एक लाइव इनके साथ ऑफिस में बैठ के आराम से बात करेंगे तसल्ली से। ठीक है हरप्रीत जी, ठीक ओके है भाजी, थैंक यू, आपने इतना टाइम निकाला, साइड में गाड़ी रोक के आपने बात करी इतनी देर। मेरी तरफ से कुछ थैंक भी यू। मेरी तरफ से कोई भी काम हो आपको, टिकट
टीकेडी में दिल्ली में कस्टम क्लियरेंस रिलेटेड एक बार ही फोन कर देना, बंदा हाजिर हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके बाजी, थैंक यू, रखता हूँ, ठीक है, ओके बाय।